नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे लोग इस बात की मांग कर रहे थे लंबे समय से कि एक ऐसी सीरीज शुरू की जाए जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं लाइक एज यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीसीएस, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी आदि परीक्षाओं में जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडी, जनरल नॉलेज आदि के प्रश्नों को उसमें शामिल किया जाए और जो पार्ट वन होता है लगभग इन सभी परीक्षाओं में उसको ये पूरा कवर करें। तो आप लोगों की मांग पर ये सीरीज आज से स्टार्ट की जा रही है। अगर आपका सहयोग मिलता रहा तो ये सीरीज लगातार चलती रहेगी। दोस्तों, इस वीडियो में जो प्रश्न आपको मिलेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को अगर आपने ओपन किया है तो शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किए हुए पूरा जरूर देखना, तभी आप समझ पाओगे कि ये वीडियो किस पैटर्न पर होगा और इसके प्रश्न आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आप 10 दिन लगातार ये सीरीज कंप्लीट करते रहे, देखते रहे, तो जो एक बदलाव आपके कॉन्फिडेंस में आएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो इंक्रीज होगा उसको आप स्वयं महसूस करोगे। तो आज की ये जो सीरीज है इसको भी आप कंप्लीट जरूर करना और इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना, ठीक है। और देखो, रोज़ दोपहर में 1 बजे आपको ये सीरीज मिला करेगी, तो सुनिश्चित कर लो कि रोज़ 1 बजे आकर चैनल पर आपको इस सीरीज को कम्प्लीट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुए? तो दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसकी जो व्याख्या है ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो ये कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ये पहली पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो 1951 से लेकर 1956 तक था और इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण विकास योजना के लिए मुख्य रूप से शोषितों, कृषि तथा सामुदायिक विकास, सिंचाई योजना, बिजली, ग्राम तथा लघु उद्योग जैसे 4 लक्ष्यों को रखा गया था, जिसमें कुल योजना व्यय का कम से कम 39% ग्रामीण विकास कार्यक्रम में खर्च करने का लक्ष्य था। इस योजना से प्रति व्यक्ति आय में 11%, कितनी? प्रति व्यक्ति आय में 11% और खाद्यान्न उत्पादन में भी रिकॉर्ड वृद्धि हुई थी, ठीक है। तो ये प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई? तो फ्रेंड्स, ये प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप पूरा जरूर कंप्लीट करना। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? इसको फ्रेंड्स कहा जाता है दामोदर वैली कॉरपोरेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में DVC, दामोदर वैली कॉरपोरेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत का यह बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है और इसकी स्थापना हुई थी 7 जुलाई 1948 को। कब हुई थी? 7 जुलाई 1948 को। स्वतंत्र भारत की यह पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के रूप में जानी जाती है। तो इसलिए भी ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के रूप में जानी जाती है। दामोदर नदी बिहार, जो कि अब झारखंड में है, तथा पश्चिम बंगाल के राज्यों को आवृत करते हुए लगभग 25,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। DVC भारत सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली पहली प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी, ठीक है, और स्थापना इसकी हुई थी कब? 1948 में। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा कि जो सुमेलित नहीं है उसे पहचानिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है उसकी पहचान करनी है। विश्व मानवाधिकार दिवस यह क्या 11 दिसंबर को मनाया जाता है? नहीं, ये गलत होगा, यह मनाया जाता है 10 दिसंबर को, ठीक है, इतना आप याद रखना। इसके बारे में मैं आगे आपको बता रहा हूँ। सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को। विश्व पर्यावरण दिवस आपको याद होगा 5 जून को मनाया जाता है और राष्ट्रीय खेल दिवस मनाए जाते हैं 29 अगस्त को। अब बात करते हैं हम लोग विश्व मानवाधिकार दिवस के बारे में। तो फ्रेंड्स, सामान्य जीवन यापन के लिए प्रत्येक मनुष्य के अपने परिवार, कार्य, समाज और समाज पर कुछ अधिकार होते हैं जो आपसी समझ और नियमों द्वारा निर्धारित होते हैं। इसी के अंतर्गत यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 10 दिसंबर 1948 को सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र को आधिकारिक मान्यता दी गई, जिसमें भारतीय संविधान द्वारा प्रत्येक मनुष्य को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। अतः प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखो, बात यहाँ पर चली है यूनाइटेड नेशन की, तो आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशन की जो स्थापना हुई थी ये 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस भी मनाया गया है 24 अक्टूबर को ही, ठीक है।
वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो फ्रेंड्स इस समय यूएन के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उनका नाम है एंटोनियो गुतेरस, एंटोनियो गुतेरस, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो ये न्यूयॉर्क में है, याद रखना इसको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो हमें क्वेश्चन नंबर 3 से बहुत सारी जानकारी मिल गई, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। विश्व की छत कहाँ पर स्थित है? विश्व की छत कहाँ पर स्थित है? तो देखो यहाँ पर जो 4 विकल्प हैं उनमें से सही जवाब इसका होगा तिब्बत का पठार, ऑप्शन सी। तिब्बत का पठार मध्य एशिया में स्थित एक ऊंचाई वाला विशाल पठार है। ये दक्षिण में हिमालय पर्वत श्रृंखला से लेकर उत्तर में टकला मकान रेगिस्तान तक विस्तृत है और इसमें चीन द्वारा नियंत्रित बोर्ड स्वायत्त क्षेत्र चिंगहाई, पश्चिमी सिस्वान, दक्षिण पश्चिमी गांसु और उत्तरी यूनान क्षेत्रों के साथ साथ भारत का लद्दाख का क्षेत्र भी आता है। उत्तर से दक्षिण तक यह पठार जो है वो 1000 किलोमीटर लंबा है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक ये जो लंबाई उत्तर से दक्षिण होगी ये 1000 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम तक ये 2500 किलोमीटर है, पूर्व से लेकर पश्चिम तक ये 2500 किलोमीटर है, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ की जो औसत ऊंचाई है वो समुद्र तट से लगभग 4500 मीटर है, समुद्र तट से इसकी ऊंचाई कितनी है 4500 मीटर है, यानी कि लगभग 14800 फुट। और विश्व के 8000 मीटर से ऊंचे सभी 14 पर्वत इसी क्षेत्र में या इसके इर्द गिर्द पाए जाते हैं और इसी वजह से इसे दुनिया की छत यानी पृथ्वी की छत भी कहा जाता है। तिब्बत के पठार का कुल क्षेत्रफल 25 लाख वर्ग किलोमीटर है, तिब्बत के पठार का कुल क्षेत्रफल कितना है 25 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इतना आप इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए। और ये जो है भारत के क्षेत्रफल का कितना है? तो भारत के क्षेत्रफल का ये लगभग 75% है और फ्रांस के क्षेत्रफल का ये लगभग 4x यानी कि 4 गुना है। तो अगला प्रश्न जो हमारा होगा, चलते हैं उस पर। अगला प्रश्न है कि किस सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है? तो ये प्रश्न है यहाँ पर और सही जवाब इसका होगा संवेग संरक्षण का जो सिद्धांत होता है रॉकेट इसी पर कार्य करता है। तो फ्रेंड्स हम यह तो जानते ही हैं कि यदि कोई बहुत विशाल वस्तु हो तो उसे हिला पाना बहुत कठिन होता है। जैसे अगर सड़क के किनारे कोई ट्रक खड़ा है तो उसे हिलाने के लिए बहुत ताकत चाहिए क्योंकि वो बहुत भारी होता है। लेकिन बंदूक से निकली एक छोटी सी गोली भी आघात कर देती है, उसे रोक पाना भी मुश्किल होता है। अब एग्जैक्टली उसका आकार तो ट्रक की तुलना में कुछ नहीं परंतु उसकी गति बहुत अधिक होती है। मतलब ये कि यहाँ पर जो संवेग होता है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? एक तो मास, दूसरा होता है उसकी वेलोसिटी, m = v, p = m.v। तो फ्रेंड्स यहाँ पर p = mv ये संवेग का सिद्धांत होता है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट इन जो संवेग संरक्षण का सिद्धांत है उसको बता देते हैं कि यदि किसी पृथक व्यवस्था आइसोलेटेड सिस्टम में दो पिंड टकराते हैं, मान लो एक की गति यहाँ पर एक छोटा पिंड है एक बड़ा पिंड है, तो इसका m ज़्यादा होगा, इसको m1 un मान लेते हैं और इसको जो है m2 v2 मान लेते हैं। अब दोनों आपस में मान लो टकरा रहे हैं, इधर इधर से आके आपस में टकरा गए, तो टकराव के पहले अगर दोनों पिंडों के वेग यहाँ पर v1 और v2 हैं तो इसको जो है m1 v1 प्लस m2 v2 इसको इस प्रकार से आप लिखोगे, क्योंकि संवेग एक वेक्टर मात्रा है, यह परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड तथा दिशा दोनों में संरक्षित रहता है। तो यहाँ पर संवेग संरक्षण के आधार पर ही रॉकेट जो है वो कार्य करता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत की काली मिट्टी का क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? काली मिट्टी का क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये प्रश्न है और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कपास के लिए। तो फ्रेंड्स भारत की स्थानीय मिट्टी में काली मिट्टी सबसे अलग दिखाई देती है, इसे रेगुर कहा जाता है। काली मिट्टी का एक नाम और भी है, इसको कहते हैं रेगुर, ठीक है, रेगुर। इसमें पोटास की मात्रा बहुत अधिक होती है और इसमें जो है कपास की खेती की जाती है। और काली मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है और इस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। मिट्टी का काला रंग जो होता है वो टिटेनीफेरस मैग्नेटाइड और ह्यूमस की उपस्थिति के कारण होता है और इसी वजह से इसमें जो कपास होता है बहुत अच्छी फसल होती है कपास की।
सिद्धि जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, ये प्रश्न है। सिद्धि जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो विकल्प हैं उसके अनुसार ये जनजाति पाई जाती है ऑप्शन ए गुजरात में, ठीक है, गुजरात में पाई जाती है ये। अब अगला प्रश्न होगा हमारे यहाँ पर जो कि टेम्परेचर पर आधारित होगा, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, केल्विन मान से मानव शरीर का तापमान कितना होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर केल्विन टू सेल्सियस कन्वर्जन जो फार्मूला होता है उसको आप समझ लो, अगर हम टी डिग्री सेंटीग्रेड इसको ऐसे इंडिकेट करें और तो टी केल्विन में से कितना घटाओगे आप, 273.15 घटाने पर, यानी कि केल्विन पैमाने में से अगर 273.15 को घटा दो तो हमें सेंटीग्रेड में तापमान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो मानव शरीर का तापमान होगा केल्विन में वो कितना होगा, वो होगा 310 केल्विन, ठीक है, याद रखना इसको, ये फार्मूला इस पर आप सेट करके मतलब डिग्री सेंटीग्रेड से डिग्री केल्विन के मान को निकाल सकते हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, जिन धातुओं को पीट कर परत का रूप दे दिया जाता है वो क्या कहलाती हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो एक शब्द होता है जो धातुएं तन जाती हैं उनको उनको जो तन्य कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तन्य, और इंग्लिश है इसकी क्या, DUCTILITY, डक्टिलिटी, ठीक है, डक्टिलिटी। तो पदार्थ विज्ञान में डक्टिलिटी किसी ठोस पदार्थ की तनाव डालने पर खींचकर आकार बदल देने की क्षमता को बोलते हैं। तन्य पदार्थ, तो तन्य पदार्थ होते हैं, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा, तन्य पदार्थ आसानी से खींचकर तार के रूप में बनाए जा सकते हैं, जबकि अतन्य यानी कि नॉन डक्टिल पदार्थ तनाव डालने पर आसानी से नहीं खींचते और टूट जाते हैं। एग्जाम्पल होगा इसका, अगर आप सोना और तांबा ले लो तो ये तन्य पदार्थ माने जा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं, पित्त का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है। तो फ्रेंड्स शरीर रचना विज्ञान तथा पाचन के संदर्भ में पित्त को क्या कहते हैं, देखो पित्त को कहते हैं यहाँ पर BILE, बाइल, या फिर कहेंगे गाल, ठीक है, गाल। तो ये गहरे हरे या पीले रंग का एक द्रव होता है जो पाचन में सहायक होता है, यह कशेरुक प्राणियों के यकृत में बनता है, यकृत जिसको आप क्या कहते हो, आप इसको लीवर भी कहते हो, लीवर में बनता है, और इसका जो pH वैल्यू होता है पित्त का वो कितना होता है, 7.7। मानव के शरीर में यकृत द्वारा पित्त का सतत उत्पादन होता है जो कि पित्ताशय में जाकर एकत्र होता रहता है। तो इसका जो उत्सर्जन होता है वो यकृत के द्वारा होता है, लीवर के द्वारा, और पित्ताशय में ये कलेक्ट होता रहता है। अगला प्रश्न होगा कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, जीव विज्ञान के जनक कौन है। तो फ्रेंड्स जीव विज्ञान के जनक माने जाते हैं अरस्तु, ठीक है, इतना याद रखना आप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला प्रश्न होगा क्वेश्चन नंबर 12, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑर्गेनाइजेशन विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। तो फ्रेंड्स ये है जिनेवा में, जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है, और इसका वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑर्गेनाइजेशन इसको WIPO नाम भी दिया गया है, वाइपो, ठीक है, और यह संयुक्त राष्ट्र की सबसे पुरानी एजेंसियों में से एक है। इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था 1967 में, और रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और विश्व में बौद्धिक संपदा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए इसका गठन किया गया था। वर्तमान में 26 अंतर्राष्ट्रीय संधियां इसके अंतर्गत आती हैं, कितनी, 26, और इसका जो मुख्यालय है वो मैं आपको बता चुका हूँ, जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में, ठीक है, और वर्तमान में इसके 191 देश सदस्य भी हैं, और इसमें संयुक्त राष्ट्र के 188 सदस्य देशों के अलावा क्विक द्वीप समूह, होली सी और न्यूए भी शामिल है। तो संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य इसके सदस्य देश बन सकते हैं, लेकिन यह बाध्यकारी नहीं होता है। फिलिस्तीन को इसमें अस्थाई पर्यवेक्षक का दर्जा मिला हुआ है, ये भी याद रखना, और भारत जो है वाइपो का सदस्य कब बना था, ये प्रश्न अगर पूछा गया कि भारत वाइपो का सदस्य कब बना था, तो भारत वाइपो का सदस्य बना था 1975 में, याद रखना इसको, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। नर्मदा नदी ये बहुत महत्वपूर्ण नदी है, और इसे जो है रेवा के नाम से भी जाना जाता है। नर्मदा का एक नाम और भी है, क्या नाम है इसका, रेवा,
ठीक है। तो देखो, मध्य भारत की एक नदी और भारतीय उपमहाद्वीप की पांचवी सबसे लंबी नदी है। यह गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बाद भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। मध्य प्रदेश राज्य में इसके विशाल योगदान के कारण इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। यह उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक पारंपरिक सीमा की तरह भी कार्य करता है। यह अपने उद्गम से पश्चिम की ओर 1312 किलोमीटर चलती है, 1312 किलोमीटर चलती है और उसके बाद खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ठीक है। अब देखो, नर्मदा मध्य भारत के मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। और ये निकलती कहाँ से है? तो ये निकलती है अमरकंटक से। मैकल पर्वत के अमरकंटक शिखर से नर्मदा की उत्पत्ति मानी जाती है। अमरकंटक कहाँ पर है? ये मैकल पर्वत पर है। ठीक है, मैकल पर्वत। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर। यह नदी पश्चिम की तरफ जाकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो सही जवाब इसका हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। भारत में गठित सबसे पहली सरकारी समितियां थी। तो खुद देखो, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि भारत में गठित होने वाली सबसे पहली सरकारी समिति जो थी वो थी साख समिति, ऑप्शन बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो फ्रेंड्स, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो ये हैं मोहम्मद इकबाल। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। ठीक है, मोहम्मद इकबाल के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा। देखो, मोहम्मद इकबाल, इनका जन्म हुआ था 9 नवंबर 1877 में। कब हुआ था? 1877 में, और मृत्यु हुई थी 1938 में। यानी कि ये जो हैं अविभाजित भारत के प्रसिद्ध कवि, नेता और दार्शनिक थे। उर्दू और फारसी में इनकी शायरी को आधुनिक काल की सबसे अच्छी शायरी में गिना जाता है। इकबाल के दादा सहज सपूर इनका नाम था। क्या नाम था? इकबाल के दादा का नाम याद रखना, इनका नाम था सहज सप्रू। और ये एक कश्मीरी पंडित थे जो बाद में सियालकोट आ गए थे। इकबाल की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें असरारे खुदा, रमूजे बेखुदी और बंगे दारा, जिसमें देशभक्ति पूर्ण तराना ए हिंद शामिल है। फारसी में लिखी इनकी शायरी ईरान और अफगानिस्तान में भी बहुत प्रसिद्ध है, जहाँ इन्हें इकबाल ए लाहौर भी कहा जाता है। इन्होंने इस्लाम के धार्मिक और राजनीतिक दर्शन पर काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो कंप्लीट हुआ हमारा 15वां क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन पर। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस के रिसने से लोगों की मौत हुई थी? अच्छा, एक प्रश्न और भी होता है कि भोपाल गैस त्रासदी जब हुई थी तो उस समय मुख्यमंत्री कौन था मध्य प्रदेश का? ये प्रश्न भी, तो इसका जवाब अगर आप लोग जानते हो तो बताओ कमेंट करके, और इसी प्रश्न की व्याख्या में मैं इसका आंसर भी दूंगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर भोपाल गैस त्रासदी के किस गैस के रिसने से लोगों की मौत हुई थी? तो ये गैस थी MIC, यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट। देखो, भारत के मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल शहर में 3 दिसंबर 1984 की रात को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई थी, और इसे जो है भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने से एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ और इसमें लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जान गई थी, और बहुत सारे लोग अनेक तरह की शारीरिक अपंगता से लेकर अंधे भी हो गए थे। भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनेट यानी कि MIC नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। और अब मैं आपको बता दूँ कि 1984 में उस समय मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था अर्जुन सिंह। कौन थे? अर्जुन सिंह। और फ्रेंड्स, अर्जुन सिंह भोपाल गैस त्रासदी मामले में 7 जून को अदालत ने 8 लोगों को दोषी करार देके 2-2 साल की सजा सुनाई थी। और इस मामले में यूनियन कार्बाइड जो कंपनी थी उसके तत्कालीन प्रमुख नाम क्या था? वारेन एंडरसन फरार घोषित किए गए थे, लेकिन वो भारत छोड़कर जाने में सफल हो गए थे। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16 और इससे हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। पहला चार्टर एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो देखो, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब इसका होगा 1793, ऑप्शन सी। एक्चुअली में अगर हम बात करें 1773 की,
तो 1773 के एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के कार्यों में ब्रिटिश संसद का हस्तक्षेप और नियंत्रण शुरू हो गया था और कंपनी के शासन के लिए पहली बार लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया था। तो 1793 का जो राजपत्र था उसके बारे में जान लेते हैं। कंपनी के राज्यों एवं संगठन में सुधार के लिए यह चार्टर जो है वो जारी किया गया था, पारित किया गया था। इस चार्टर की प्रमुख विशेषता यह थी कि इसमें पूर्व के अधिनियमों के सभी महत्वपूर्ण प्रावधानों को शामिल किया गया था। इस अधिनियम की प्रमुख जो विशेषताएं थी उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। उसके बाद विगत शासकों के व्यक्तिगत नियमों के स्थान पर ब्रिटिश भारत में लिखित विधि विधानों द्वारा प्रशासन की आधारशिला रखी गई थी और इन लिखित विधानों एवं नियमों की व्याख्या न्यायालय द्वारा किया जाना निर्धारित किया गया। गवर्नर जनरल एवं गवर्नरों की परिषद की सदस्यता की योग्यता के लिए सदस्य को कम से कम 12 वर्षों तक भारत में रहने का अनुभव हो, इसको जरूरी कर दिया गया था और नियंत्रक मंडल के सदस्यों का वेतन भारतीय कोष से दिया जाना तय किया गया। तो ये चीज़ें संबंधित हैं 1793 के चार्टर एक्ट से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, नेताजी सुभाष चंद्र बोस किस स्थान पर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे? तो फ्रेंड्स इसका जवाब बहुत आसान है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि वो स्थान था हरिपुरा। हरिपुरा में ये जो अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था? ये हुआ था 1938 में। तो याद रखना इसको कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1938 के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे और इस अधिवेशन से पहले गांधी जी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सुभाष को चुना था। यह कांग्रेस का 51वां अधिवेशन था, इसीलिए कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस का 51 बैलों के द्वारा खींचे हुए रथ में स्वागत किया गया था। इस अधिवेशन में सुभाष का अध्यक्षीय भाषण बहुत ही प्रभावशाली था, किसी भी भारतीय राजनीति व्यक्ति ने शायद ही इतना प्रभावी भाषण कभी दिया हो। अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में सुभाष ने योजना आयोग की बात कही थी और देखो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए थे योजना आयोग के। सुभाष ने बेंगलोर में मशहूर वैज्ञानिक सर विश्वेश्वरैया की अध्यक्षता में एक विज्ञान परिषद की भी कल्पना की थी और उसकी भी स्थापना की थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, चापेकर बंधुओं ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी? यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और देखो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, रैंड। चापेकर बंधु महाराष्ट्र के पुणे के पास चिंचवड़ नामक गाँव के निवासी थे। 22 जून 1897 में रैंड को मौत के घाट उतारकर भारत की आज़ादी की लड़ाई में प्रथम क्रांतिकारी धमाका करने वाले वीर दामोदर पंत चापेकर का जन्म 24 जून 1869 को पुणे के ग्राम चिंचवड़ में प्रसिद्ध कीर्तनकार हरिपंत चापेकर के पुत्र के रूप में हुआ था। उनके दो छोटे भाई थे बालकृष्ण चापेकर और वासुदेव चापेकर। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20 भी चलते हैं। डोल ड्रम बेल्ट कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि ये जो बेल्ट है उसका एक नाम और भी है और इसको जो है सांद पेटी भी कहा जाता है। डोल ड्रम बेल्ट को सांद पेटी के नाम से भी जाना जाता है, सांद पेटी। और ये कहाँ पर है? तो ये विषुवत रेखा के निकट है। विषुवत रेखा मतलब ये अगर धरती हो गई, पृथ्वी हो गई, इसको बीचों बीच जो रेखा बांटती है इसको क्या कहते हैं आप? इसको अंग्रेजी में कहते हैं इक्वेटर, हिंदी में कहते हैं विषुवत रेखा। तो इसके 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे का जो क्षेत्र होता है इसी में यह डोल्ड्रम बेल्ट अवस्थित है, यहीं पर पाया जाता है। यहाँ पवनें शांत होती हैं और इसी वजह से इसका एक नाम शांत पेटी या डोल्ड्रम भी होता है। उच्च ताप के फलस्वरूप वायु गर्म होकर विषुवती क्षेत्र पर ऊपर की ओर उठती है और विषुवती निम्न दाब पेटी का निर्माण करती है जो भूमध्य रेखा से लेकर 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण तक विस्तृत है। डोल ड्रम निम्न वायुमंडलीय दाब वाली विषुवती पेटी है। यहाँ उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें अभिसरण करती हैं। शांत दशाओं के साथ निम्न दाब वित्तीय निम्न दाब या पेटी की विशेषता होती है। तो याद रखना ये इक्वेटर के 10 डिग्री ऊपर 10 डिग्री नीचे तक स्थित होती है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए।
तो फ्रेंड्स आज के इस टेस्ट में कुल मिलाकर 20 प्रश्न और अब एक प्रश्न आप लोगों के लिए, जवाब दीजिए। इसका जवाब मैं आपको कल बताऊंगा कल के सीरीज में। आपके लिए एक प्रश्न ये है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है और आप इसके बारे में जितना अधिक विस्तृत जवाब दे सकते हैं दीजिए। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, वियना, ब्रुसेल्स, लियांस या फिर इस्लामाबाद। तो फ्रेंड्स आज की सीरीज यहीं बस ख़त्म होती है। इस सीरीज के बारे में आपकी जो भी राय है उससे हमें अवगत कराएं। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जिस भी एजुकेशनल ग्रुप से आप जुड़े हुए हों उसमें इसे शेयर जरूर कर देना। और अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, करते ही होंगे, तो आप हमारे एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कर लेना जो कि आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा बिल्कुल फ्री। ये आपकी बहुत अधिक हेल्प करेगा, ठीक है। और देखो स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिखकर आप हमें गूगल पर भी सर्च कर सकते हो। अगर कोई पर्सनल मैसेज है तो वो आप हमें इंस्टाग्राम पर आकर भेज सकते हो या फिर ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।